भाइयों नमस्कार। देखिए ये अंकित चौधरी ने गेहूँ बोए थे पिड्डी डालकर फैक्ट्री में, सोने जम गए हैं। अभी दिसंबर चल रहा है और 10 दिन में इनमें कोर आ जाएगी। एक का दाना जम गया है, बहुत सुंदर जम रहे हैं। ये 3 बीघे गेहूँ काफ़ी हैं किसान के लिए खाने के लिए। भाइयों हमारे यहाँ जनवरी तक गेहूँ बोते हैं क्योंकि फैक्ट्री में जाता है ना गन्ना, थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए जनवरी तक बोए जाते हैं। भाइयों हमने तो अपने बोदी जो बोने थे अब और नहीं बोए। भाइयों ये पिड्डी आ गई हमारी, अब आराम आराम से हम गन्ना डाल लेंगे फैक्ट्री में, इनमें भान जोतेंगे, अगले साल फिर ईख बोई जाएगी। ये टिंकू पंडित ने गेहूँ बो दिए भाइयों इधर। भाइयों आज हमारे इसमें गेहूँ का है, इसमें पानी चल रहा है, खुड्डों में पानी चमक रहा है। ये देखिए भाई ये कुलाबा चल रहा है, पाइप इसमें पानी जा रहा है। भाइयों इसका पाइपलाइन का बहुत फायदा लगा हमें तो, मैं तो यूं को हर किसान भाई लगवा ले। एक तो नाली में जमीन जा रही वो बेकार जा रही है, एक भाई ये छोलनी पड़ती है नाली, उससे जान बच जाएगी। भाई मुझे तो बहुत लाभ लगा इसका। भाइयों ये पीली सरसों है, देखो ठीक खड़ी है, नीचे खरपतवार बहुत है लेकिन इसका एक फायदा है, हमारी जो बोर्ड है ना पौधा उसको नुकसान का मौका पड़ेगा। कुछ तो खरपतवार रोकेगा पाड़ा, कुछ सरसों रोकेगी, इसलिए कोशिश करेंगे तो अक्टूबर में पौधे, वो तो बहुत तकनीक होगी, हमने बोई थी नवंबर में, बल्कि बाजा तो सितंबर में बो दे किसान, वो तो बहुत तकड़ी हो रही है उनकी, इसलिए हम लेट हो गए। अब कब बारिश पड़ती रही ना, हम नहीं कर पाए इतना काम। भाई पानी आ रहा है खेत में, पानी चमक रहा है। भाई हमारी सड़क बिल्कुल दिल्ली की तरह हो गई है, देखिए कितने वाहन जाते हैं इधर को, ज़्यादातर नंबर 2 के जाते हैं। ये वे गाड़ियाँ जा रही हैं जिनका टाइम पूरा हो गया, गम मुकाम निकाल दें वे आदमी। देखो अलाइनमेंट गलत दिखाई दे रहा, ट्रैक्टर क्लियर टिंकी थोड़ा और करेंगे वो भाई रोक करके, यो पहिया सीधा है यो आउट है ना, इतना फर्क देख ले, ना ना उसका फर्क नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, अलाइनमेंट सही करो इसका। किसान भाइयों ये हमारे गांव की सड़क है, पावली टू दोराला जाती है, बीच में हमारा गांव पड़ता है, ये साइड में लेफ्ट साइड में गांव से बाहर बाहर निकलती है भाई ये। कभी शॉर्टकट आना हो तो कंकरखेड़ा से आगे आके जिटोली के सामने से बाएं को उतर रही है, फिर पावली द्वारकापुरी में निकल के सीधा पोबरसा सीधा दोराला, फिर सरदन की तरफ घूम जाओ, शहर और टोल वगैरह सब बच जाते हैं। भाई ये पानी के कई फायदे हैं, एक तो पाड़ा असर नहीं करता फसल पे, एक फसल की बढ़वार भी चलती रहती है धीरे धीरे। हम सर्दियों में जरूर पानी चलाते हैं रोज, एक के बाद एक खेत में, यही तो कहते हैं ना किसान का अपना घर का पानी होना चाहिए, मोल के पानी में वो बात नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ जमीन ढहर के जो पानी ना पीते तो मोल का पानी चल जा, एक बार पानी दो 1 महीने जरूरत नहीं पड़ती फिर।
ये भाई है सामने हमारा गांव चमक रहा है, आगे बुग्गिया रही है, वहाँ से लेफ्ट को घूमना है गांव की तरफ। ये चक रोड हमारे खेत में जा रही है चकमी तरफ। भाइयों वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार भाइयों, देखिए टंच विधि का गन्ना है, पिड्डी है आपके, पानी तालम ताल भर रहा है, रोज पानी चलता है इसमें, रोज तीसरे दिन चौथे दिन। देखिए देखिए हरी चोया खड़ी है, गन्ना भी ठीक बढ़ रहा भाइयों। दोस्तों टंच विधि मुझे नहीं बढ़िया लगी, इसके लिए छोटे यंत्र हो तो घने बल्ले बल्ले, अगर ना भी हो तो भी ठीक है, नहीं तो शादी विधि फिर है ही आपके सामने। जो भाई कुल मड़ा रहे हो शादी विधि बो के थक लिया हो तो वो इसे बो सकते हैं, बसरते मट्टी चढ़ाने के लिए फावड़े मजबूत हों, घर में चार पांच लम्डे हों, जब ज़्यादा फायदा है। ये जुगाड़ जा रहा है टेम्पू का गोले लेने के लिए। भैया गांव में कागजों की जरूरत नहीं पड़ती, अपना गांव से खेत खेत से गांव में घूमते फिर जाओ। ये भाई हमने पेड़ झांगे हैं पुनीत पुनिया ने, ये सागौन के ये लकड़ी यहाँ गिर दी अपनी चकरोड में, जब पत्ते सूख जाएंगे ना झाड़ के ले जाएंगे चूल्हे में काम आ जाएंगे, बाल लेंगे या हमारा ठेकेदार ले जाएगा कोई बात नहीं, काम तो आएंगे किसी न किसी। भाइयों आज पानी से चला रखा पुनीत ने, बबलू ने, क्योंकि पाला पड़न लगा, पाला क्या कोहरा तो पड़ी रहा, 12 बजे सूरज निकलता है भाइयों। भाइयों किसान तो सब हैं, टंच विधि की बंदवाते भी है बांस बल्ली से, लेकिन चंद्रास मुझे नु बढ़िया लगा, वो इतनी डोज लगाते हैं जो बंधवानी ना पड़े। भाई टंच विधि बो के भी बल्ली लगाई तो फिर फायदा क्या रहा उसका, 80-90 क्विंटल का एवरेज आया बहुत है, मान लिया वो 130 क्विंटल निकल रहा तो 130 क्विंटल में 30 क्विंटल की लागत भी तो लग गई उसमें बंधी होगी, जब 6-6 आदमी मेड़ लगाते हैं तो लगा रहे 56-3 हज़ार रुपये रोज बैठते हैं, अब मुश्किल से भी 1 बीघा लगाते हैं 6 आदमी। ये भाई हमने इसमें घास फूकने की खरपतवार नाशक 240 कर दी थी, खेत कोरा हो गया, ये पुनीत ने करी भाई, क्योंकि इसको मैं जल्दी नंबर आऊँगा चलाए का। ये भाई हमारी छोल छुल रही है अब सामने, पेड़ पिड्डी है तीन बरसी, मैं आपको दिखा देता हूँ चलो। ये भाई तसला भी दी है चारों माइस, इसमें गिद्दर भी चमक जाएगा, 5x5 का वो है थावड़ा, ये ऐसी बोई थी हमने 1/2 बीघा, इसका आपको देखेंगे क्या हिसाब आओगा। ये भाई ये ठेकेदार छोल रहे हमारे इधर, ये पेड्डी है तीवर सी बहुत तकड़ी खड़ी है, ये पौधा है वो ही 48 इंच पे बोया हुआ, भाई अब अपना कुड़ियाँ बना ली है, एक तो खेत में ताकत आ जाएगी, एक वहाँ जगह ज़्यादा गिर गई थी। भैया मैं रघमों का खेत दिखाता हूँ आपको, भैया लाइन का एक फ़ायदा है, आधा पानी तो इसमें जा रहा बोर्ड में घूमोगी मैं,
आधा पानी इसमें चल रहा। वाल जितना मर्जी खोल दो, पहले ईंट लगावे थे, कट्टा डावे थे, मट्टी भर के सोलियाँ इलियान खाए थे, फिर भी दुर्गति। ये सिस्टम बढ़िया लगा मुझे। ये वाल खोल दो अपना आप ही, जितना खोलोगे उतना ही पानी चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए आधा नलका आ रहा पानी, आधा परले में जा रहा, शाम तक दोनों भर जाएंगे। भैया देखिए गेहूँ में झलक मार गई, परला खेत वो इससे परला कल गया परसों, पुनीत पुनिया काम कर रहा है खेत में। भाई ये वीडियो कैसी लगी लाइक करना। नमस्कार।